फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सिंग प्रोजेक्ट। तो इंडिया और चाइना के बीच में, ऑफ कोर्स आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशंस हो रही हैं उससे इंडियन साइंटिस्ट जो है, बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए कंसर्न हो गया, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस लेड स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस के अंदर के प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें चाइना के स्पेस स्टेशन टियांगोंग में उनको एक स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो लगाना था। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया चाइना के टेंशंस के बीच जो है जो नॉर्मल कोऑपरेशन है वो भी रुक गया है। तो अब हम पहले तो देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट था क्या। तो यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स और चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने 2019 में एक अपॉर्चुनिटी निकाली कि जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेसिफिकली जो लगाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट किए गए, जिसमें उनमें से एक था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था इंडिया और रशिया के बीच में, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है, इन्हें दोनों मिलकर ये स्पेक्ट्रोग्राफ को लगाने वाले थे। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, जिसमें जो लाइट को तोड़कर अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तोड़ देता है, जिससे कि हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टडी कर सकें। तो ये आपके इंटरस्टेलर गैस को जो है टियांगोंग जो है आपका स्टेशन, स्पेस स्टेशन है, वो इंटरस्टेलर गैस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस स्पेक्ट्रोग्राफ की उसको जरूरत थी। इसलिए ये इंडिया और रशिया का जो ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, ये सिंग प्रोजेक्ट उसको बनाने वाला था और ऑफ कोर्स लगाने वाला था। अब इस स्पेक्ट्रोग्राफ को हमने चाइनीज टीम को नवंबर 2022 में डिलीवर करना था, लेकिन ऑफ कोर्स ये चाइना और इंडिया के टेंशंस के बीच में जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। तो अब ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन है क्या, ये टी शेप्ड स्पेस स्टेशन है जो चाइना अपने लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो लगाने वाला है, और ये 1/5 ऑफ मास ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और ये सेकंड ऐसा स्टेशन, स्पेस स्टेशन बनेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद जो ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, ऑफकोर्स ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसकी नींव 1786 में रख दी गई थी, और ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और रिलेटेड फिजिक्स में ये रिसर्च करता है। तो 1971 में इसको ऑटोनोमस सोसाइटी डिक्लेयर किया गया और इसको शिफ्ट कर दिया गया 1975 में बेंगलुरु में। ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, और ये आपके इवन एस्ट्रोसैट जो हमारी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसको, उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन देने वाला ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहा है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने बोला है कि 2016 में अमेंडमेंट करके ये क्लॉज लेकर आए, लेकिन आपने क्या कहा कि 1988 से ये क्लॉज वैलिड है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो ये नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। तो पहले तो हम देखते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो बेनामी का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन जो, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई लीगल ओनर या नहीं है, या फिर उसका कोई फिक्टिशियस ओनर है। आप एक ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, समझ लो, एग्जांपल लेते हैं, एक आईएएस ने प्रॉपर्टी बनाई किसी और के नाम पर ताकि वो खुद ना फंस जाएं, तो इसलिए वो किसी फिक्टिशियस ओनर के नाम पर जो प्रॉपर्टी वो बना लेते हैं उनको हम कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। तो उसको रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में लाया गया था, और सेक्शन 2A जो है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट का जो है वो प्रोहिबिट करता था कि बेनामी ट्रांजैक्शंस इंडिया में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि कोई रूल्स ही उसके नोटिफाई नहीं किए गए इस एक्ट के, अनटिल 2016 कोई रूल्स नोटिफाई ही नहीं किए गए, तो इसलिए ओरिजिनल एक्ट जो है उसकी प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन रही ही नहीं। तो 2016 में गवर्नमेंट को ने ये रियलाइज़ किया कि इसके तो रूल ही जो है वो हमने आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने रादर इसके रूल ही नहीं फॉर्म किए। तो उसके लिए 2016 में अमेंडमेंट की गई और उसमें ब्रॉड डेफिनेशंस दी गई कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, बेनामीदार कौन होता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, और इवन पावर्स भी बताई गई कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या उनके पास पावर होंगी। तो पहले तो हम देखते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शंस की क्या डेफिनेशन दी गई। तो बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दी गई कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी और की है, किसी, कोई ओनरशिप किसी और की है असल में, लेकिन वो किसी सेकेंड पर्सन की कंसिडरेशन में पड़ी है। ठीक है, मतलब किसी की फिक्टिशियस नेम में ली हुई है, या फिर जो ओरिजिनल ओनर है वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि इसकी ओनरशिप मेरे पास है या नहीं है, ये किसी और के और ये किसी और की कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी पड़ी है, या फिर
जिसकी कंसिडरेशन में पड़ी है ये प्रॉपर्टी वो ट्रेसेबल नहीं है, और या फिर वो पर्सन ही फिक्टिशियस है, वो फेक पर्सन है, कोई एक्चुअल में पर्सन वो नहीं है। अब बेनामीदार कौन होता है? बेनामीदार वो होता है जिसके नाम पर आप वो प्रॉपर्टी बना लेते हो, जो कि एक फिक्टिशियस पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो बेनामीदार को इस लॉ में कहा गया 2016 के अमेंडमेंट लॉ में कि बेनामीदार जो है वो ये बेनामी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी को भी जो है वो बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया गया, कहा गया कि प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल भी हो सकती है, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है। कॉर्पोरियल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, एक बॉडी की जैसी भी हो सकती है, और इनकॉर्पोरियल भी हो सकती है, मतलब कि एक कॉर्पोरेट या फिर एक कॉर्पोरियल मतलब बेसिकली होता है कि आप जिसको टच कर सकते हो, आप एक फॉर्म में है प्रॉपर, वो टेंजिबल भी कह सकते हैं उसको, फॉर्म ऑफ टेंजिबल या इनटेंजिबल भी हो सकती है। सो अथॉरिटीज़ को पावर दी गई कि वो कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, कैसे इन्फोर्स करेंगे इस लॉ को, एविडेंस कैसे जो है वो रिसीव करेंगे, ये पावर सारी अथॉरिटीज़ को दी गई। इवन ये भी प्रोविजन बनाया गया कि इन प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनली अटैच भी किया जा सकता है अगर ये पकड़ी जाए तो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स दी गई इनको कॉन्फिस्केट करने की। फिर पीनल पावर्स भी दी गई, मतलब कि जो अगर कोई पकड़ा जाएगा इस ट्रांजैक्शन को करते हुए तो उसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो सकती है 1 से 7 साल के बीच में। इवन फाइन भी लगाया गया, 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का वो फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि कैलकटा हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट है इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव वे में नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते कि 1988 से जो ट्रांजैक्शंस अगर ऐसी हुई हैं वो सब जो है इसके अंडर आ जाएंगी। तो उन्होंने जो है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो अपहेल्ड करते हुए बोला है कि आप इम्प्रिजनमेंट जो है एक तो उसको भी आप हटाओ, जो ये 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर सेक्शन 3 क्लॉज 2 जो है वो भी एक्ट का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो आर्बिट्रेरी है, और आप पुराने डेट पर जो है ये ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं उनको आप पनिश नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ तब एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 2016 की जब अमेंडमेंट हुई है उसके बाद से अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है तभी आप उनको पनिश कर सकते हो, आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं जो है वो ला सकते। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई भी एक्ट गवर्नमेंट लेके आती है या पार्लियामेंट लेके आती है ऑफ कोर्स, तो उसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी पर्सन को उस क्राइम के लिए कन्विक्ट कर दो जो उस समय पर क्रिमिनल एक्ट ही नहीं था। मतलब समझ लो, एग्जाम्पल लेते हैं कि चोरी करना अभी तक समझ लो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रखा होता और मैंने आज चोरी की होती, और समझ लो 10 साल बाद गवर्नमेंट को रियलाइज होता कि ये कोई ऐसा एक्ट होता है, चोरी का कोई एक्ट होता है, तो चोरी के ऊपर अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आती तो ऐसा नहीं कर सकती थी कि वो मुझे 10 साल बाद उसके लिए जेल कर दे, क्योंकि जब मैंने चोरी की तब तो वो कोई एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था ना। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि आप किसी को पुराने जब आप ये लॉ कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं कर सकता था उसके लिए आप किसी पुराने पर्सन को जो है वो जब वो एक्ट नहीं एग्जिस्ट करता था, जब वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था उसके लिए आप उनको जेल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्लॉज ये है कि ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के ऊपर ही वैलिड है, सिविल जो लॉज होते हैं उनमें आप रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेके आ सकते हो। जैसा कि आपने देखा था कि यूपीए गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की थी जिससे जो है वोडाफोन का केस जो है हमारे सामने आया था। सो एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिसेंटली जुपिटर की बहुत ही जो है न्यू इमेजेस भेजी हैं। हमने इवन जो 2 स्मॉल मून्स हैं जुपिटर के, अमेल्थिया और एड्रेस्टिया, इन दोनों को भी कैप्चर किया है। इवन जुपिटर का फेमस ग्रेट रेड स्पॉट को भी कैप्चर करके जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नासा को भेजा है। तो नासा का ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मिलकर बनाया गया है। यह अभी इस टाइम पर लैग्रेंज पॉइंट टू में जो है ये घूम रहा है और वहाँ से ये कैप्चर कर रहा है इमेजेस को। तो हम देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये नासा ESA और CSA का प्रोजेक्ट है। December 25th, 2021 को इसको लॉन्च किया गया और L2 लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, वो ऐसा पॉइंट स्पेस में जहां पर दो बड़ी बॉडीज की ग्रेविटेशन आकर एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। मतलब ऐसा अर्थ और जुपिटर के बीच में ऐसा एक मिडल पॉइंट या ऐसा एक पॉइंट जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशन और
जुपिटर की ग्रेविटेशन आपस में कैंसिल हो जाती है, तो वहाँ पर जो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो वो रिलेटिवली स्टेबल रहेगा और उसको मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी या फ्यूल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मोटिव ये था कि 13.5 बिलियन ईयर्स की जो पुरानी हमारी गैलेक्सीज हैं उसको हम स्टडी करें, स्टार्स को स्टडी करें, कैसे जो है स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स बॉर्न हुए ये देखें, और इवन एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को भी जो है उनके भी एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करें। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मून लाइटिंग पॉलिसी। तो ये ऑफकोर्स आपके सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी ने अनाउंस किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज को जो गिग एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के बाहर भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट करने की इजाजत दे रहे हैं, जिसको वो मून लाइटिंग पॉलिसी कहते हैं। मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हो आप अपने रेगुलर वर्किंग आवर्स के बाद, मतलब आपका 9 से 5 का समझ लो वर्किंग आवर है, आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ करे कि आप इसके बाद भी कहीं और किसी और कंपनी में जॉब कर सकते हो। जनरली ये लोग इसको विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयर करते थे, लेकिन अब स्विगी ने अनाउंस किया कि वो अलाउ करेंगे अपने गिग जो है एम्प्लॉयज़ को ये मून लाइटिंग करने के लिए। ठीक है, मून लाइटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये जॉब जो है आप जो यूएस में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, मोस्टली ये नाइट टाइम या वीकेंड्स पे जॉब करते थे लोग, इसीलिए इसको मून लाइटिंग नाम दिया गया। अब ये लोग करते क्यों हैं, ऑफकोर्स एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं, कई लोग सिर्फ न्यू स्किल्स डेवलप करने के लिए करते हैं, न्यू लोगों से मिलने के लिए करते हैं, कनेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन कंपनीज़ को इससे प्रॉब्लम क्यों होती है, कंपनीज़ क्यों जनरली मून लाइटिंग अलाउ नहीं करती, क्योंकि कंपनी को ये लगता है कि जो हॉलीडेज़ हम दे रहे हैं, जो हम टाइम ऑफ दे रहे हैं, वो हम वर्कर को रेस्ट करने के लिए दे रहे हैं ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। अगर वो वर्कर उस टाइम पर दूसरी जॉब कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी ऑफकोर्स, और प्राइवेट कंपनीज जो हैं इसीलिए जनरली मल्टीपल जॉब्स के लिए अलाउ नहीं करती हैं। इवन हमारी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट बनाए गए हैं जहाँ पर डबल एम्प्लॉयमेंट को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवर लीवरेज्ड। तो ये इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने बोला है कि जो अदानी ग्रुप है वो डीपली ओवर लीवरेज है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबली हाईली डेट से बनाया गया एक पूरा अदानी ग्रुप का एम्पायर है, और ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि वो अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स में डिफॉल्ट कर रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ओवर लीवरेज मतलब कि इतना ज़्यादा डेट ले लिया है कि कल को अपने डेट को पे करने के लिए भी उनको डेट लेना पड़ेगा, है ना। सो इसीलिए जो है कंपनी अगर बहुत ज़्यादा ओवर लीवरेज हो तो उससे उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, उनके असेट्स भी लूज़ हो सकते हैं, कई बार उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि लोगों का पैसा जो क्रेडिटर्स ने जिन्होंने पैसा लगाया उस कंपनी में उनका पैसा डूब सकता है। तो इसीलिए फ्यूचर बोरोइंग्स के ऊपर मोस्टली जो है गवर्नमेंट्स उनके जो है वो लिमिटेशंस लगा देती हैं इनकेस अगर वो डेट रीपेमेंट करने से रुक जाएँ में फेल हो जाएँ तो, और उनको इवन न्यू इन्वेस्टर्स भी नहीं मिलते क्योंकि एक इन्वेस्टर को पता होगा कि ये ऑलरेडी डेट से भरी हुई है कंपनी, इसमें इन्वेस्ट करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। ये आपके गवर्नेंस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने आपको पता होगा कि फास्टैग जो है 97% जो टोल की कलेक्शन होती है वो इस टाइम पर फास्टैग से होती है, फिर भी जो है टोल प्लाजा पर कंजेशन रहता है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम ऐसा करते हैं टोल प्लाजा को ही ख़त्म कर देते हैं, हम लेके आते हैं ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा। मतलब एक जहाँ पर टोल प्लाजा था पहले अगर उसको ख़त्म कर दें वहाँ पर ये कैमराज लगाए जाएंगे और ये आपकी जो है नंबर प्लेट को रीड करेंगे और आपके ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट जो आपका व्हीकल ओनर का जो लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा उससे ऑटोमेटिकली टोल का जो पैसा है वो डिटेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली एंट्री और एग्जिट ऑफ टोल रोड के ऊपर जो है ये कैमरा लगाया जाएगा और उसके बेसिस पर जो है पैसा डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारी नंबर प्लेट्स इंडिया में इस टाइम पर ऐसी जो है वो नहीं है जिनसे जिनको ये कैमराज रीड कर सकें, सिर्फ जो नंबर प्लेट्स 2019 के बाद आई हैं उनमें ही उनको ही ये कैमराज रीड कर सकते हैं और जो है उससे पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट रूल लेके आई कि जितने पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनको अब कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स ही लगवानी पड़ेंगी और जो नहीं लगवाएगा उसको इवन पेनल्टी भी जो है कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन ANPR जो है वो फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात तो हमें पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं ना कि ऐसे नंबर प्लेट्स ही नहीं हैं बहुत सारी तो जिनको ये ANPR कैमराज जो है वो रीड कर सकें। फिर कई बार क्या होता है कि बहुत सारी नंबर प्लेट्स पर
कुछ ना कुछ लोगों को लिखवाए रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवाया हुआ है कईयों ने भगवान के नाम लिखवाए होते हैं। फिर जैसे कई ट्रक्स होते हैं जो बहुत ही ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ पर उनकी जो है जो नंबर प्लेट्स बहुत पुरानी हो गई हैं या नंबर प्लेट्स गंदी पड़ी हैं, तो उसको भी जो है कैमरा रीड नहीं कर पाएगा। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट देखा गया कि जिसमें देखा गया कि लगभग 10% ऑफ व्हीकल ऐसे रहे जिन पे जो है ANPR कैमरास जो है उनको रीड नहीं कर पाए। तो इससे तो ऑफकोर्स रेवेन्यू लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट या फिर जो टोल कलेक्शन नहीं हो पाएगी तो रेवेन्यू लॉस होगा उससे। तो इसके लिए ऑफकोर्स बहुत सारे इशूज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है VLSR SAM। तो ये ऑफकोर्स आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DRDO और इंडियन नेवी जो है उन्होंने मिलकर एक इंडिजिनसली डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्ट किया है। ये एक शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है जो कि आपके एरियल थ्रेट्स को क्लोज रेंज से न्यूट्रलाइज करेगा। इसमें इंडिजिनस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगाया गया ताकि वो इंटरसेप्ट कर सके टारगेट को बहुत एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अभी हमने एक इंडियन नेवल शिप से इसको टेस्ट किया और एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट को इसने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया और वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी भी अपनी शो करी है इसने। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक इज सिंग प्रोजेक्ट। सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक सेक्शन ऑफ कोर्स। सो टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉजिंग कंसर्न अमंग इंडियन साइंटिस्ट बेस्ड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सो बेसिकली वट इज द इशू? सो यूनाइटेड नेशंस लेड प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस। सो दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंस्टॉल अ स्पेक्ट्रोस्कोप अपॉन द टियांगोंग चाइनीज स्पेस स्टेशन एंड फॉर दैट द UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स एंड चाइना मैन स्पेस एजेंसी launched an opportunity for the budding scientific community to conduct experiments on board the Tiangong. So six winning projects were selected and IIA was among those six selected projects. So they were chosen in 2019 and in a collaborative project with a Russian Institute of Astronomy. This IIA was supposed to implement this project and design this spectrograph to be installed to Tiangong, but of course this is becoming a problem because the normal cooperation between India and China has been put on hold due to the tensions between the two countries. And anyways, what is this spectrograph? So spectrograph means an instrument which splits light into certain frequencies and wavelengths so that we can specifically study the ultraviolet radiation. And why ultraviolet radiation is important to be studied? So that we can investigate the sources of interstellar gas. So of course this spectrograph was to be delivered to the Chinese team in November 2022, but the scientific community is now not optimistic about its delivery because of the tensions between the two countries. So anyways, what is Tiangong space station? So of course it's a T-shaped space station and it is being constructed by China to be put in low earth orbit between 340 and 450 kilometers above the surface, and it will be having a mass roughly 1/5 of the mass of International Space Station. It will only be the second such station after the International Space Station to move in a low earth orbit. So what is the Indian Institute of Astrophysics? So it's a premier institute which is conducting research in astronomy, astrophysics and related physics, and it's an observatory which was actually set up in 1786, but later on in 1971 it was made an autonomous society and it was shifted to Bengaluru in 1975. So of course today it works under the Department of Science and Technology, and it has also contributed in the development of AstroSat, which is the multi-wavelength space observatory of India. So the next topic is Benami Transactions Prohibition Act. So this topic is important for your security section also and your economy section as well as your governance section. So Supreme Court has recently ruled that Section 3 subsection 2 of Benami Transaction Prohibition Act is unconstitutional, and it has said that the government cannot apply this act retrospectively, and only those transactions which have happened after 2016 can be covered under this act. So what is Benami transaction? Of course it's a transaction which without a name, which means that an asset is held by a fictitious owner on behalf of a legal owner, and
फॉर दैट टू काउंटर दैट वी पास दिस बिनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट इन 1988 एंड इट मेड दीज बिनामी ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ दिस एक्ट इलीगल बट द पॉइंट हेयर इज दैट नो गवर्नमेंट आफ्टर 1988 नोटिफाइड द रूल्स फॉर दिस ऑफ दिस लॉ ऑफकोर्स इंटेंशंस कुड बी बैड ऑल्सो probably they did not want to catch those who were involved in binami transactions. That's why for more than 20 or 25 years no government notified these the rules under this act. So basically this act was just on paper and it was ineffective. But in 2016 the government realized that no government has ever notified the rules. So for in 2016 the government brought an amendment to this act and they broadly defined these binami transactions, who is a binami dar, what is the meaning of the term property, what would be the powers of the authorities. So all these were defined under this act and an amendment was passed for this legislation. So what is the binami transaction according to this amendment act of 2016? So it's a property which has been transferred to or it is held by a person and it is under the consideration of another person. Basically a bureaucrat has taken a property, let's suppose in some other country, and he is not the legal owner of that property. He has made someone as the owner of that property, who is the fictitious owner, who could be a fictitious owner. So it could have been made, this transaction could have been made in a fictitious name, even the owner of the property, and in case the owner of the property denies that he has such ownership of that property, in that case also binami transaction would be it would be construed as a binami transaction. In case the person who is providing the consideration of that property, who is taking care of that property, is not traceable or is a fictitious person, in that case also it would be considered as a binami transaction. So binami dar is that person who takes care of that property, and it could be a fictitious person also. So binami dar cannot retransfer the binami property under this amendment act. So the term property is also being defined in a very broad manner. It could be an immovable, tangible or intangible, even corporeal or incorporeal property, and it has also defined the powers of the central government or the law enforcement agencies to confiscate such properties. So penal provisions have also been made for this transaction. A rigorous imprisonment from 1 to 7 years has been made. Even fine can be levied up to 25% of the fair market value of that property. But in December 2019, the Calcutta High Court ruled that this law, this amendment act, cannot have retrospective application. But the central government then appealed to the Supreme Court against the Calcutta High Court's judgment. But now the Supreme Court has also upheld the Calcutta High Court's order, saying that you cannot apply this law retrospectively. Any property or any transaction that has happened after 2016, only that would be covered under this amendment act. You cannot pass a new law and make it retrospective. So it has also declared this section 3 clause subsection 2 of the act as unconstitutional and arbitrary, and it has said that only transactions that have happened after the 2016 act would be covered under this under the jurisdiction of this law. So the Supreme Court has said that Article 20, Clause 1 of the Constitution provides for this provision that has made this Section 3, Subsection 2 of this Binami Transaction Act invalid. Article 20, Clause 1 says that no person should be convicted of an offence which was not in force at the time of the commissioning of that act. So like I was giving an example, let's suppose that today killing someone is not penal or it is not punishable by any law in India. So today if I kill someone, it does not mean that government can bring a law later on and I would be imprisoned based upon that law. So that would mean a retrospective application of the law that would not be allowed by the Article 20, Clause 1 of the Constitution. But like I was telling you, it is valid only on criminal laws but not on civil laws. So the next topic is James Webb Space Telescope. So this topic is important for your science and tech section. So James Webb Telescope has sent new images of our solar system's largest planet, that is the Jupiter, and it has given the new view of the planet and also
प्रेजेंटेड इन डिटेल द टू स्मॉल मून्स ऑफ जुपिटर, एमेल्थिया एंड एड्रेस्टिया, एंड इट हैज़ ऑल्सो कैप्चर्ड द ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर. सो वट इज़ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाई नासा, ESA एंड CSA. इट वॉज लॉन्च इन December 25, 2021, एंड इट इज प्लेस्ड एट द सन अर्थ L2, दैट इज द लेग्रेंज पॉइंट. लेग्रेंज पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ टू लार्ज बॉडीज कैंसल ईच अदर. सो प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मेक्स इट रिलेटिवली स्टेबल, एंड इट रिक्वायर्स मिनिमल एक्सटर्नल एनर्जी और फ्यूल टू कीप दैट that body into that space. So the goal of this James Webb Space Telescope is to look back around 13.5 billion years ago when the first stars and galaxies were formed. It also aims to study the stars and planetary systems and how they were born. It will also observe the atmospheres of extrasolar planets. So the next topic is moonlighting policy. So this topic is important for your social issues. So food delivery startup Swiggy has recently allowed its employees to take up gigs or projects outside their regular employment. So of course it is called the moonlighting policy. And what is moonlighting? It means that you are working an extra job beyond your regular working hours into another company without the knowledge of employer. But generally now certain companies have started allowing this also, but not of course the majority of them. Only certain exceptions are there where the companies allow their employees to have moonlighting. So why this term moonlighting is being used? Because generally people work after their daytime shift, mostly at the night time or on weekends. That's why it is called moonlighting. So why people do it? Of course for extra income or for developing new skills or for connecting with new people. But the private companies generally do not allow holding multiple jobs because they say that holidays and time off are generally meant for rest of the worker, so that they can improve their efficiency. If they keep on working at that time also, it would deteriorate their efficiency and it would affect their working in the actual job profile. Even the Shops and Establishment Acts of several states restrict this double employment in several states, especially in highly specialized agencies, industries. So the next topic is over leverage. So this topic is important for the economy section. So a credit rating agency Fitch has said that Adani Group is deeply over leveraged, which means that it is having unsustainably high debt, and it could make it difficult to for this company to make interest and principal repayments in the long run. And if the situation gets worse, then the company may be forced to borrow even more just to keep going or to even repay its debt. So what happens when a company is over leveraged? It means that the company's growth is constrained. Even legal proceedings can be launched to recover the money by the creditors, and even the new investors would not be willing to invest in that company because they would see that the company's growth prospects have been severely constrained. So the next topic is automatic number plate reader. So this topic is important for a governance section. So you know that 97% of toll collection is happening through FASTags, but despite of that we are seeing congestion at toll plazas. So as a solution to this problem, the government is contemplating launching this automatic number plate reader cameras, and the government would then remove toll plazas on national highways, and then it would rely on ANPR cameras. So they would basically be installed at entry and exit of toll roads, and they would automatically deduct toll from the linked bank account of the vehicle owners. Of course, there are certain issues also, like not all number plates in India can be read by these cameras. Only those number plates which have come after 2019 will be able to be read, will be read by these cameras. That's why government in 2019 said that passenger vehicles should have company fitted number plates. But also there are other issues, like not all number plates could be read. Then there are certain people who write things on their number plates, like some people write the name of their gods, or even they have there's a government of India or government of Delhi written on their number plates. So in that case also the camera would not be able to read it. So
सर्टेन ट्रक्स हु आर ट्रैवलिंग दे देयर नंबर प्लेट रिमेन्स हिडन और इट इज़ सॉइल्ड सो द कैमराज कैन नॉट रीड दोज नंबर प्लेट्स ऑल्सो एंड इट इन अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन अ की एक्सप्रेस वे इट वॉज फाउंड दैट अबाउट 10% ऑफ व्हीकल्स विद सच नंबर प्लेट्स वर मिस्ड बाई द एनपीआर कैमरा सो विच मीन्स 10% रेवेन्यू लॉस फॉर द टोल कलेक्टिंग एजेंसी सो दैट वुड नॉट बी गुड सो गवर्नमेंट वुड ऑफ कोर्स हैव टू फाइंड सम अदर ऑल्टरनेटिव्स और इट वुड हैव टू इम्प्रूव द एफिशियंसी ऑफ इट्स कैमरा So the next topic is VLSR SAM. So this topic is also important for your security section. So DRDO and Indian Navy has recently tested this indigenously developed vertical launch short range surface to air missile. It is a ship borne weapon system which is meant to neutralize various aerial threats at close ranges. It is equipped with indigenous radio frequency seeker so that it can intercept the target and strike it with high accuracy. This test was carried out from an Indian naval ship against a high-speed unmanned aerial target, and it has demonstrated the vertical launch capability effectively. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.